स्वागत है हमारे चैनल पाखी की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे यूकेजी और प्रेप के सिलेबस के बारे में, हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी में क्या क्या चीज़ें यूकेजी और प्रेप में पढ़ाई जाती है, जैसा कि जूनियर केजी में, एलकेजी में ये सारी चीज़ें जैसे अ से लेके तक की चीज़ें करा दी जाती है, और क ख का भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, पूरा नहीं होता लेकिन बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है यूकेजी में। ये सारी केजी में बच्चों को शब्द जो रिकॉग्नाइज करना शुरू करवा दिया जाता है कि अ से अनार होता है, वो फर्स्ट लेटर को पिक्चर के थ्रू करवाते हैं कि अ से अनार, इस तरह से अ से अमरूद, अखवा, इस तरह से बच्चों रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये फर्स्ट जो अक्षर है अ है। इस तरह से अब जो पिक्चर बने होते हैं उसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और शुरू जो क ख ग घ ये सब जो आसान से शब्द होते हैं, जैसे कि ट है, ट ठ, ये सारे जो अक्षर हैं ये बच्चों को पहले कराया जाता है, ग ग ये सारे। और इससे शुरू होने वाले शब्द जैसे ट करवाया गया, ट करवाया गया, उसके अलावा बच्चों को ब ब करवा दिया गया। अब ट और ब जब बच्चे कर लेते हैं तो ये उन जो अक्षर से शब्द बनाना भी सिखाते हैं, जैसे ट ब टब, इस तरह से करके वो सिखा देते हैं बच्चों को। जो आसान से अक्षर हैं पहले वो कराया जाता है, उसके बाद उसके थ्रू जैसे न, ल, न ल अगर बच्चे ने लिखना सीख लिया तो फिर वो शब्द बनाना सीखते हैं उसे, न ल नल, इस तरह से करके। तो ये यूकेजी में बच्चों को क से लेके ज्ञ तक की पूरे साल में करा दी जाती है, और बच्चे वर्ड लिखना सीखते हैं। शुरू में जो वर्कशीट होती है वो किस तरह से जैसे वर्ड रिकॉग्नाइज्ड करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे इसमें बहुत सारे पिक्चर बने हुए हैं। बच्चे को ब पता है कि ब कैसे लिखा जाता है, अब उसे कहा जाता है कि ब को ब से शुरू होने वाले सब को सर्किल करने के लिए, तो उन्हें पता है ये ब है, तो ब से बत्तख, ब से बकरी, ब से बंदर, इस तरह से वो रिकॉग्नाइज करके अक्षर को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो सर्किल करते हैं। तो ये बच्चे ये वर्कशीट होते हैं जो बच्चे इजीली फिर करना सीख जाते हैं, इनसे उनका जो है इस पे कम ज़्यादा वो हो जाता है कि बच्चे इजीली पहचानते हैं इन अक्षर को। अब जैसे इसमें है जग मग, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि ज से शुरू होने वाले शब्द बताओ, म से शुरू होने वाले शब्द बताओ, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। इसमें जैसे चरखा, जैसे चाय, इस तरह से शब्द आप पूछ सकते हैं कि च से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं, ब से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं। तो इस तरह के वर्कशीट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप कोई भी लाके बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जो भी वर्ड, जो भी अक्षर आपने सिखाया उसे, जैसे क सिखाया या जो भी शुरू के शब्द है ग सिखाया, तो उससे शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करना सिखाएं कि ग से गमला लिखा है, तो अगर गमले ग से गमला लिखा है तो वो अभी पढ़ तो नहीं पाएंगे लेकिन पिक्चर के साथ अगर दिया हुआ है तो वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये ग से शुरू होने वाले शब्द हैं, तो ग से गमला। जैसे ख से खरगोश, क से कमल, इस तरह से बच्चे आराम से रिकॉग्नाइज करते हैं सारे शब्द। तो हिंदी में ये शुरू के हैं और लास्ट तक बच्चे ये सारे जैसे क म ल कमल लिखना सीखते हैं। वो मैं आगे दूसरे वीडियोस में बताऊंगी उसको कि कैसे फिर डिटेल में बच्चे कैसे एक एक अक्षर को जोड़ के लिखना सीखते हैं। पहले दो वर्ड के दो अक्षर के
शब्द बनाते हैं फिर तीन अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्द, मात्रा तो बहुत बाद में आता है, बिना मात्रा वाले शब्द जो इजीली वो लिख सकते हैं वो बनाते हैं। तो ये कुछ यू के जी प्रेप के जो हिंदी के वर्कशीट हैं वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, बताया कि बच्चों को आप इजीली कैसे बता सकते हैं ये सारी चीज़ें। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह की वीडियोज और लाती रहूँगी। और हमारे ये प्ले ग्रुप में मैंने एक पूरा प्ले ग्रुप ही यू के जी और प्रेप के लिए बना रखा है, उसमें सारी इस तरह की वर्कशीट्स इंग्लिश की मैथ्स की आती रहेंगी जीके की, जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।